नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है, जल्दी देश के अंदर दस्तक देने वाले हैं, तारीखों का ऐलान भी हो गया है और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी हैं। अब ये देखा जा रहा है कि जिस प्रत्याशी को जहां से उम्मीदवार बनाया गया है वो उस क्षेत्र में जाकर जनसभाएं कर रहा है, रैलियां कर रहा है और जनता से जो है वो वोट मांगने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ लोक लुभावने जो है वो वादे भी किए जा रहे हैं। सबका अपना अपना अलग तरीका है वोट मांगने का, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट पर शिवपाल यादव को जो है वो अपना प्रत्याशी बनाया है और शिवपाल यादव जो है पिछले 10 दिनों से लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और यहीं पर जो है इसी बीच उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो के अंदर शिवपाल यादव जो हैं वो वोटरों को कहीं ना कहीं धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये बात ना बोली हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सीधा सीधा यही बताता है कि भाई शिवपाल यादव जो हैं वो जनता को धमकी दे रहे हैं। उनका क्या कहना है पहले आप वीडियो में खुद ही देखिए। जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों अपने तो है ही और नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। अब ये वीडियो जो है बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बदायूं के सहसवान का बताया जा रहा है, तो आपने इसके अंदर खुद ही देखा होगा कि किस अंदाज में नेताजी जनता से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। शिवपाल का सीधा सीधा कहना है कि भैया जो वोट दे वो दे और जो ना दे वो भी सही, हमारे अपने लोग तो हैं ही, वही वोट जिता देंगे। यानी यहाँ पर शिवपाल यादव का ये कहना है कि मुस्लिम और यादव वोट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बदायूं सीट पर पाए जाते हैं, तो उनका ये ही मायने निकाले जा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे और किसी बिरादरी से मतलब नहीं है, बस यादव और अपने लोग यानी मुस्लिम लोग जो है मिलकर वोट दे देंगे तो जीत पक्की है ही। भाई दूसरे शब्दों में उन्होंने ये भी कहा है कि जो वोट दे सो दे, ना तो हिसाब किताब तो फिर होगा। यानी सीधा सीधा इसे जो है एक तरह से धमकी जो है वो जनता को दी जा रही है कि अगर आप वोट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले समय में आपका हिसाब किताब होगा, क्योंकि उस सीट से तो हम ही जीतने वाले हैं। और यहाँ पर जो है समीकरणों की माने तो मुस्लिम और यादव वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहता है और समाजवादी पार्टी का बदायूं सीट जो है वो गढ़वी मानी जाती है। तो इसी को देखते हुए शिवपाल यादव जो हैं सिर्फ यादव और मुस्लिम यानी एम और बाई फैक्टर पर जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सीधा सीधा ये अंदाज़ा लगा चुके हैं कि भाई इस सीट से तो मेरी जीत जो है पक्की है ही, और बिरादरी अगर मुझे वोट देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो फिर इनका जो है हिसाब किताब कर लेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि बदायूं लोकसभा सीट पर तकरीबन 7.5 लाख वोट जो है ना वो हिंदू और मुस्लिम वोट माना जाता है और ये वो वोट बैंक है, यानी 7.5 लाख इतनी बड़ी तादाद होती है वोटरों की जो किसी भी प्रत्याशी को जिताने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है और आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि जिता ही देती है। इसीलिए अखिलेश शिवपाल यादव जो हैं इस तरीके से ये बयान दे रहे हैं। वहीं अब आपको मैं एक वीडियो और दिखाता हूँ। चुनावी माहौल चल रहा है तो बयानबाजी भी हो रही है, तो इसी दौरान रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के विधायक हैं कैथल से हरियाणा के, उनका भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो के अंदर वो हेमा मालिनी को आपत्ति जनक शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है उसे आपत्तिजनक बयान ही माना जा रहा है। आप एक बार रणदीप सुरजेवाला का भी वीडियो देखिए कि क्या कहना है कांग्रेस के विधायक रणदीप सुरजेवाला का हेमा मालिनी के बारे में। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जो है वो उन्होंने एक महिला के लिए किया है, एक अभिनेत्री के लिए किया है, एक नेता के लिए किया है जो कि बीजेपी से सांसद हैं
अब इस तरह की बयानबाजी जो है वो कांग्रेस की तरफ से होनी भी शुरू हो गई है और इसके बाद सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की बयानबाजी वो क्यों हो रही है, क्यों कांग्रेस जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती, क्यों कांग्रेस जो है नारी शक्ति की बात नहीं करती, जहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है सीधे सीधे महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है, उनको आगे ले जाने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं उससे उलट ही कुछ इस तरह से महिलाओं के लिए बयान देते हैं। और ऐसा कांग्रेस में नहीं देखा जाता, मैं आपको साल 2019 के लोकसभा चुनाव की भी बात बता देता हूं कि समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे आजम खां जो इन दिनों मुकदमों से में फंसे हुए हैं, कभी जेल जा रहे हैं कभी बाहर आ रहे हैं, तो इस तरीके से उनका जीवन जो है वो चल रहा है, लेकिन आजम खान ने जो है वो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जया बच्चन के ऊपर भी एक बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी पे महिलाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए गए थे और काफ़ी ज़्यादा जो है उनका सोशल मीडिया पर बायकॉट भी हुआ था। आजमगढ़ को उस वक्त सभी पार्टियों ने यानी पक्ष ने बीजेपी ने घेरे में ले लिया था, आजम खान ने जया बच्चन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवादित बयान दिया था, उसका ही वीडियो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है, मैं 17 दिन में पहचान। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है जया बच्चन को साल 2019 में लोकसभा चुनाव ने के दौरान आजम खान ने किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कुछ बोला था, उसके बाद जो है काफी ज्यादा आजम खान का जो है वो बायकॉट भी हुआ था, महिलाओं ने काफी कुछ आजम खान के अगेंस्ट जाके बोला था, सीधा सीधा आरोप लग गए थे कि आजम खान जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी में तो मुलायम सिंह के दौर से भी देखा गया है कि किस तरह से वो जो है मंच पर आकर बयान देते हैं। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव ने एक बार बयान ये भी दिया था कि किसी महिला का रेप हो गया था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई लड़के ही तो हैं, गलती हो ही जाती है, तो रेप जैसी घटना को भी उन्होंने इतनी आसानी से मंच से ये कह दिया था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। तो इस तरह की तमाम जो बयान है वो निकलकर सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये नेता लोग इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं, क्यों महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्यों पारिवारिक तौर पर बयानबाजी करने लगते हैं, क्यों निजी होकर बयानबाजी करने लगते हैं, और ये आखिर वोट पाने के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपकी कमेंट में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आरएन न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।